हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और आप सभी का वेलकम है आपके ही चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच में हाजिर हूँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये है थैंक्स और थैंक यू, जिसका मतलब होता है धन्यवाद या शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कहाँ पे थैंक्स यूज होता है और कहाँ पे थैंक यू यूज होता है। बस छोटी सी ट्रिक आपको याद रखना है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि थैंक यू हमेशा अपने से रिस्पेक्टेबल पर्सन, यानी आपके बॉस हो गए, आपके हेड हो गए, आपके प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या कोई ऐसा पर्सन जो आपको अवार्ड दे रहा है, उसको आप लोग बोलोगे थैंक यू, थैंक्स नहीं। और आपके जो यार दोस्त हैं ना, उनको आप थैंक्स बोलिए। और अगर आप उनको थैंक यू भी बोलते हो तो कोई बात नहीं, वो इतना माइंड नहीं करते हैं। और इसके साथ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे अपने थैंक यू को इन फ्रेजेस से, जो मैंने वीडियो में बताए हैं, इन सेंटेंसेस से इतना पावरफुल कर लीजिए कि जिसने भी आपकी हेल्प की है और जिसको आप थैंक यू बोल रहे हो ना, उसको ये रियलाइज़ हो कि उसने बिल्कुल सही इंसान की हेल्प की है। यानी जब आप इस तरीके से उसको थैंक यू बोलोगे तो उसको लगेगा मैंने बिल्कुल सही काम किया इसकी हेल्प करके, यही वो एक पर्सन है जिसको मेरी इंपॉर्टेंस पता है, जिसको मेरे हेल्प की कद्र पता है, और जब भी इसको मेरी ज़रूरत होगी ना तो मैं पक्का इसके लिए दौड़ा भागा आऊँगा। तो सीखना चाहेंगे ना ऐसे फ्रेजेज और सेंटेंसेस, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही होगा बेल आइकन का बटन, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि कोई हमें फेस्टिवल विश कर दे तो भी थैंक यू, बर्थडे विश कर दे तो भी थैंक यू, कोई हेल्प करे तो भी थैंक यू, कोई जान पे खेल के हमको बचा ले तो भी थैंक यू, बस थैंक यू थैंक्स हम लोग बोलते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी फ्रेंड्स इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, वो कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स मोस्टली कह देते हैं कि यार अपना थैंक यू या अपना थैंक्स अपने पास रखो, फ्रेंड्स के बीच में नो थैंक्स नो सॉरी, ये मुझे काफ़ी बार बोला गया है। तो मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि क्यों वो बोलते थे, क्योंकि फ्रेंड्स वो इतनी मेरी मदद करते हैं या आपकी इतनी मदद करते हैं, और हम लोग उनको सिर्फ बस एक थैंक यू चिपका देते हैं या थैंक्स चिपका देते हैं, ये कोई बात नहीं है। उनको उस टाइम रियलाइज़ कराना होता है, उनको ये फील कराना होता है कि वो कितने ज़्यादा वैल्यूबल हैं, वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वो उनकी कितनी वैल्यू है हमारी लाइफ में, अगर वो ना हो तो हमारी लाइफ अधूरी है। उस टाइम उनको ये रियलाइज़ कराना होता है और ये हम लोग नहीं कराते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे आप उनको अच्छा फील करा सकते हो जब वो आपकी हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप उसको इस तरीके से बोलिए, जब भी आपका कोई फ्रेंड आपकी हेल्प करता है तो आप बोलिए यू आर बेस्ट, यानी तुम बहुत अच्छे हो, या आप इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हो यू आर ग्रेट, यानी तुम बहुत महान हो, या यू रॉक, यानी इसका मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर हो या चट्टान हो, इसका मतलब तुम बहुत मजबूत इरादे वाले हो, है ना। या आप लोग अगर ग्रामर के हिसाब से बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे यू आर रॉक, वरना यू रॉक भी सही साउंड दे रहा है, अच्छा साउंड दे रहा है। या फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि आज तो मुझे भगवान ने बचा लिया, या हमको लगता है कि इस शख्स को भगवान ने मुझे बचाने के लिए ही भेजा था। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि तुमको ही भगवान ने मुझे बचाने के लिए भेजा था, तो आप इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हो यू आर एन एंजल, यानी तुम एक फरिश्ता हो। या फ्रेंड्स, आप इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हो हाउ कैन आई रिपे यू, यानी मैं कैसे तुम्हारा कर्ज उतार सकता हूँ, या मैं कैसे तुम्हारा कर्ज उतार सकती हूँ। या फ्रेंड्स, आप इस तरीके से, यानी कोई फ्रेंड आपकी हमेशा मदद करता रहता है और आपको बिल्कुल आदत पड़ गई है उसकी, तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो व्हाट वुड आई डू विदाउट यू, यानी मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा तुम्हारे बिना। You are wonderful, तुम बहुत कमाल के हो, इस तरीके से भी बोल सकते हो। या आप उसको बहुत ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो थैंक्स अ मिलियन, यानी लाखों धन्यवाद। या आपको आप चाहते हो कि उसने जितना कुछ आपके लिए किया है सब चीज़ के लिए मैं थैंक यू बोल दूँ एक साथ, तो आप बस इतना बोलिए थैंक्स फॉर एवरीथिंग, यानी जितना सभी चीज़ों के लिए तुम्हारा धन्यवाद। या फ्रेंड्स, कोई आपको अगर कोई फ्रेंड गिफ्ट देता है तो आप उसको इस तरीके से अच्छा फील करा सकते हो वाओ थैंक्स सो मच यू शुडेंट हैव, यानी थैंक यू, यानी बहुत थैंक यू हो, यानी तुमको बहुत धन्यवाद, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जो तुम गिफ्ट लेके आए हो। या फ्रेंड्स,
किसी ने आपको सरप्राइज़ दी है मेहनत करके, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो, व्हाट अ लवली सरप्राइज़, थैंक्स, यानी बहुत ही अच्छा ये सरप्राइज़ था, उसके लिए तुम्हें धन्यवाद। या फ्रेंड्स, कभी कभी लगता है कि आज तो मेरी जान बच गई, तो इसको भी किसी ने आपकी इतनी अच्छी हेल्प कर दी कि आपको लगा कि बस इसने मुझे बचा लिया है, यानी मेरी जान बचा ली, तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, यू हैव सेव्ड माई लाइफ, यानी तुमने मुझे बचा लिया, यानी तुमने मेरी जान बचा। या फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा, या मैं समझ नहीं पा रही कि तुमको कैसे धन्यवाद कहूँ, तो इसको आप लोग इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हो, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, यानी मुझे नहीं आता या मुझे नहीं पता कि मैं कैसे तुमको थैंक यू बोलूँ। या आप और अच्छा बोलना चाहते हो तो इस तरीके से बोल सकते हो, आई विल नेवर फॉरगेट वॉट यू हैव डन, यानी मैं कभी नहीं भूलूंगा या मैं कभी नहीं भूलूंगी जो तुमने मेरे लिए किया है। कितना अच्छा है, आप इसको इस तरीके से बोलते हो कि यानी मैं मरते दम तक भी नहीं भूलूंगा जो तुमने मेरे लिए आज किया है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। या फ्रेंड्स, आप इसको इस तरीके से आप बोल सकते हो, वर्ड्स कांट डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम, यानी लफ्जों से बयां नहीं किया जा सकता कि मैं अपने आप को कितना भाग्यशाली फील कर रहा हूँ, यानी अपने आप को कितना सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ जो तुमने मेरे तुमको पाके, यानी तुम्हारी मदद को पाके। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, वर्ड्स कांट डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम, यानी अपने आप को कितना ज़्यादा मैं अच्छा फील कर रहा हूँ जो तुम हो, तुम्हारा साथ है मेरे पास। या फ्रेंड्स, आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, थैंक्स यू फॉर नेवर लेटिंग मी डाउन, यानी तुम्हें बहुत ही धन्यवाद जो तुमने कभी मुझे नीचे गिरने नहीं दिया, यानी तुमने मुझे हमेशा ऊपर उठाए रखा, यानी हमेशा मेरी हेल्प की है, इसका मतलब ये होता है। या फ्रेंड्स, आप इससे अच्छा ये भी बोल सकते हो, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बॉटम मीन्स होता है तल, यानी बिल्कुल गहराई से, तो इसका मतलब यहाँ पे सेंस ये होगा कि मैं तुमको अपने पूरे दिल के साथ थैंक यू बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, यानी पूरे दिल के एक एक कोने से मैं तुमको थैंक यू बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। या फ्रेंड्स, आप और अच्छा बोल सकते हो इस तरीके से, प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक, यानी स्वीकार कर लो मेरी गहराई के साथ धन्यवाद, गहराई से मेरा धन्यवाद स्वीकार करो। और इसके साथ आप ये लाइन जोड़ सकते हो, इट वॉज अ चैलेंजिंग टाइम बट यू मेड इट इजियर, यानी ये बहुत ही कठिनाई भरा समय था लेकिन तुमने इसको बहुत ही आसान बना दिया। इस तरीके से भी आप उसको ये रियलाइज़ करा सकते हो कि उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में। या फ्रेंड्स, क्या होता है कि कभी ऐसे पर्सन की ज़रूरत जब आपको होती है तो वहाँ पे कोई नहीं हाजिर होता है और सिर्फ वही पर्सन आपकी आके हेल्प करता है, यानी जब भी आपको उसकी ज़रूरत होती है वो तुरंत हाजिर हो जाता है। तो इसके लिए आप बोल सकते हो, थैंक्स फॉर बीइंग देयर व्हेन आई नीडेड यू, यानी आपको बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद इसलिए कि जब भी मुझे आपकी ज़रूरत थी आप वहाँ पे मौजूद थे, तो इसके लिए आपको थैंक्स। तो फ्रेंड्स, ये सारे फ्रेजेस और सेंटेंसेस थे, आप किसी को कितने अच्छे से अच्छा फील कराते हुए उनको धन्यवाद बोल सकते हो। तो यहीं से वीडियो फिनिश होता है, लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तो धन्यवाद।